तो लालू के जन्मदिन के मौके पर आज बिहार भर में कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। कमजोर तबके के लोग और गरीबों के लिए भोज की व्यवस्था की गई है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर भी भव्य तरीके से लालू यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहां भोज के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराया जा रहा है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह से बात की है संवाददाता संजय कुमार ने। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन है और एक लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जाहिर सी बात है, पार्टी के लिए एक बड़ी बात है और कई तरह की तैयारियां की गई हैं। खासकर पार्टी ने एक तय किया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके साथ सहभोज का आयोजन किया जाएगा। पटना में भी एक आयोजन किया जा रहा है। राजद परिवार के जो एमएलसी हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले सुनील सिंह के सरकारी आवास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फोर मंत्री इनक्लेव गर्दनीबाग में ये तस्वीर है और यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग यहाँ आएंगे और जो आयोजन किया गया है उसमें सभी जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है। हम लोग हर एक जगह पर पूरे स्टेट में सभी जो भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, जिन सब लोग अपने अपने स्तर से सभी जगह अपने मोहल्लों में, पार्टी ऑफिस में, सब जगह इसको सब सद्भावना दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग भी भाई अपना यहाँ मनाएंगे। जून का महीना है और जून का महीना राजनीति के लिहाज से भी काफी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 23 जून की तारीख सबों के जेहन में है, जहां विपक्षी दलों की पटना में बैठक होनी है और लालू प्रसाद यादव अपने जन्मदिन के साथ ही सक्रिय राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुट गए। तो निश्चित तौर पर राजद परिवार के लिए बेहद खुशी का माहौल और लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव 76वां जन्मदिन मनाते हुए आज और नेताओं से लगातार सुबह से ही वो बधाई जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। कई नेता उनके सरकारी आवास पर, राबड़ी आवास जो है 10 सर्कुलर रोड, वहां पर पहुंचे हैं और बुके के साथ ही अपनी शुभकामनाएं जो हैं वो जाहिर कर रहे हैं अपने नेता के प्रति। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे संजय से बात कर लेते हैं। संजय, लालू प्रसाद का जन्मदिन आरजेडी जाहिर सी बात है इससे खास तौर पर खास तरीके से मना रही है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखाया सुनील सिंह के आवास की, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं सुनील सिंह और क्या मैसेज देना चाहती है आरजेडी, खासकर तब जब विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है पटना में? देखिए अली, हमने आपको सुनील सिंह की आवास की तस्वीर दिखाई थी और अब थोड़ी राबड़ी आवास की तस्वीर देख लीजिए। ठीक हमारे पीछे 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास है, जहां पर आपको अभी जितने पार्टी के वर्कर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। कई नेता कार्यकर्ता अंदर पहुंच चुके हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है और सबसे बड़ी बात है कि लंबे अरसे के बाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने आवास पर मौजूद है अपना जन्मदिन मनाने के लिए। तो कई सालों की ये कसक है जो कार्यकर्ता अपने नेता के साथ जन्मदिन के रूप में मनाना चाह रहे हैं, समारोह के रूप में, और हर के हाथ में एक बुके है, गुलदस्ता है, एक पैगाम है अपने नेता को के साथ। कई जो चाहते जुड़ी हुई हैं उन चाहत को पूरा करना चाहते हैं और एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर एक बड़े नेता, अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी पहुंचे थे, एक साधारण कार्यकर्ता भी हैं, इनको थोड़ा देखिए, ये भी पहुंचे हुए अपने नेता से मिलने के लिए। आप कहां से आए हैं? नागोपुर से। लालू जी को बधाई देने आए हैं। क्या नाम है? हाँ जी। तो क्या नाम है? गोवर्धन राय। गोवर्धन राय, अच्छा, चलिए। तो आपने सुना एक साधारण कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? बख्तियारपुर विधानसभा से आए। क्या यहाँ आने का मकसद? लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन का बधाई देने आए हैं। भगवान परशुराम जी से कामना करते हैं स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो बिल्कुल हम लोग की अपनी एक भावनाएं हैं, आने की इजहार है। आप बताइए कहाँ से आए? राघोपुर से आए हैं। राघोपुर, हाजीपुर, वैशाली, राघोपुर से। क्या शुभकामनाएं? हमने लालू जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन पर बधाई देने आए हैं कि स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, देश के राजनीति में मतलब भागीदारी लें, यही कामना, सक्रिय राजनीति में भागीदारी लें, यही कामना करते हैं। चंदन कुमार चौधरी। चंदन कुमार चौधरी हैं। तो आपने सुना जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनकी भावनाओं को सुना, उन्होंने किस तरीके से इजहार किया है। और ये लालू आवास की तस्वीर है जहां सुबह से ही लगातार जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके आने का सिलसिला जारी, हर कोई अंदर जाना चाहता है, हालांकि हर के लिए अनुमति अभी नहीं मिली है। लेकिन जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वो सबसे मिलेंगे, एक साधारण कार्यकर्ता। सॉरी, लालू प्रसाद और राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर देख लीजिए, किस कदर यहाँ पर बैनर और पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर एक दो नहीं, काफी तादाद में जो बैनर और पोस्टर वो लगाए गए हैं। कृषि मंत्री भी पहुंच गए हैं। किस तरीके से मंत्री जी बधाई देंगे लालू जी को? हम देश के तमाम गरीब, गुरवा, अकलियत,
सबके ये मसीहा है, तो इस देश के तमाम गरीब गुरबा दलितों के तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बधाई, लंबी आयु हो, ताकि गरीब गुरबा दलित अकलियत सब जो है इस देश में अपनी मान सम्मान के साथ जी सके। और एक कामना भी है कि सक्रिय राजनीति में लालू जी अब वापस लौटें। सवाल अभी वो नहीं है ना, सवाल है कि लंबी आयु, देश के गरीबों ने इनको दुआ दिया है लंबी आयु हो, और जब लंबी आयु होगी तो जो देश की विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जाति धर्म की बात हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, नौकरियां की बात नहीं होती है, इस तरह की जो देश में प्रचलन शुरू हुआ है वो एक संदेश जाएगा आज कि लालू यादव हमेशा गरीब गुरबा अकलियत दलित सबके मसीहा हैं, रहेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना बिहार के कृषि मंत्री सरजीत कुमार को कि किस कदर उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार किया। थोड़ी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी आवास के बाहर जो है उसकी तस्वीर देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियां जो है वो लग गई हैं, जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए, हाथों में बुके हैं और लगातार वो पहुंच रहे हैं। देखिए वो केक जो है वो पहुंच गया है, वो केक जो लालू प्रसाद यादव काटेंगे, और इन तस्वीरों में देखिए यहाँ पर जो दूसरे मिष्ठान हैं वो भी पहुंच गए हैं, और खाजा है, लड्डू है, जो कार्यकर्ता है नेता है वो लेकर पहुंचे। आप लेकर आए हैं, आप लेकर आए हैं ये 76वां जन्मदिन पर आज पूरे देश को, प्रदेश को, कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। नहीं नहीं आपने क्या है, तो बिल्कुल ये खाजा भी है, खाजा भी देखिए, खाजा लाया गया है, मिष्ठान है, और ये बुंदिया है, काजू, किशमिश, अखरोट, सारी चीजें जो है इसमें मिलाई गई हैं। इसमें भी, इसमें क्या रखा हुआ भैया, इसमें क्या है? ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट भी है प्रसाद जी के लिए, मालिक आ रहे हैं, मालिक से बात करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, और पीछे भी एक तस्वीर है उसको हम आपको दिखाते हैं, ये और इधर भी देखिए, इधर जो तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं, खाजा, छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं उसमें खाजा रखा हुआ है, और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर अपनी भावनाओं का इजहार गिफ्ट के माध्यम से कर रहे हैं। कई जो गाड़ियां हैं, कई ठेले जो हैं उसमें ये खाजा जो है ये लाया गया है, देखिए तस्वीरों में ये खाजा कई ठेलों में लाया गया है, और जो दुकान के मालिक है वो अपनी तरफ से भेंट देने के लिए पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव को। तो जाहिर सी बात है एक खुशनुमा माहौल है राबड़ी आवास पर, और लगातार लोग पहुंच रहे हैं, कोई बुके के साथ, कोई गुलदस्ते के साथ, तो कोई मिष्ठान के साथ पहुंच रहा है, और लालू प्रसाद यादव को न केवल बधाई दे रहा है बल्कि अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। आपने सुना कृषि मंत्री को किस कदर उन्होंने अपना बयान दिया, यानी हर एक की अपनी अलग अलग भावनाएं हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, लालू प्रसाद यादव से मिलना, उनको बधाई देना, और यह तस्वीर एक अच्छी तस्वीर लालू प्रसाद यादव के आवास से। मंत्री हैं या विधायक हैं, एमएलसी हैं या जो खास कार्यकर्ता हैं, वो तो उनको एंट्री मिल जा रही है, वो तो लालू प्रसाद से मिलकर बधाई दे पा रहे हैं, लेकिन क्या ये जो आम कार्यकर्ताओं की भीड़ है उनको भी लालू प्रसाद अपने जन्मदिन के मौके पर दर्शन देंगे, मुलाकात करेंगे? नहीं देखिए अलीम, कई साधारण कार्यकर्ता भी गए हैं, मैं यहाँ पर तकरीबन घंटे भर से खड़ा हूँ, कई साधारण कार्यकर्ताओं को भी अनुमति मिली है, लालू प्रसाद यादव ने किसी को निराश नहीं किया है, कई साधारण कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मैं यहाँ मौजूद हूँ, और वो गए हैं अभी राबड़ी आवास के अंदर में, तो हर एक के लिए अनुमति है। कुछ जो बारी बारी से, चूंकि आने का सिलसिला लगातार जारी है, तो जो लोग अभी पहुंचे हैं वो उनके लिए अभी मौका मिला है, लेकिन लगातार हर एक को मौका मिल रहा है। चलिए संजय, हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे, 10 सर्कुलर रोड से लालू प्रसाद का जन्मदिन है, तो जाहिर सी बात है कि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहां पर दिख रही है। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और अपने दर्शकों को लालू प्रसाद के जन्मदिन पर किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, किस तरह से कार्यकर्ता मना रहे हैं, वो तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे। साथ ही तमाम खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।